बना। इंटरनेट पर जाइए, अनिल अंबानी मोदी लिखिए गूगल पर, और गले मिलते हुए अनिल अंबानी जी और नरेंद्र मोदी की फोटो आपको दिखने को मिलेगी, गले मिलते हुए, जैसे ऐसे यूं देखो, कैसे करता हूं, यूं गले लगते हुए, और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं दोनों, मजा आ गया, मजा आ गया। आप इंटरनेट पे देखो, मेरा नाम गूगल करो, अनिल अंबानी का, नीरव मोदी का, कहीं मेरी उनसे गले मिलते हुए फोटो नहीं मिलने वाली। 5,55,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों, इस चौकीदार ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। मनरेगा को चलाने में साल के 35,000 करोड़ रुपए लगते थे, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए चौकीदार जी ने दिलवाए, मेहुल चौकसी को 35,000 दिलवाए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया, जाने से पहले अरुण जेटली से मिला। हमने बात उठाई, हमारे एमपी ने पार्लियामेंट हाउस में देखा कि जाने से पहले विजय माल्या अरुण जेटली से मिले, हमारे एमपी ने बात उठाई, अरुण जेटली जी कहते हैं हां मिला, क्यों नहीं मिला, जाने से पहले मिला मुझसे, 20 मिनट हमारी बात हुई। अच्छा, आपके हाथ में सीबीआई, आपके हाथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप फाइनेंस मिनिस्टर, विजय माल्या चोरी करके 10,000 करोड़ रुपए ले जाता है और एयरपोर्ट जाने से पहले आपसे मिलता है, और मेहुल चौकसी आपकी बेटी के बैंक अकाउंट में पैसा डालता है। अरुण जेटली जी, किस प्रकार के फाइनेंस मिनिस्टर हैं आप, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी सच्चाई आने वाली है बाहर। अब मैंने मन बनाया, मैं सुनता हूं, सबकी आवाज सुनता हूं। नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालो, मैंने बात सुन ली, मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो अच्छा है, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने का आइडिया तो अच्छा है। 5 साल समय दिया आपने नरेंद्र मोदी जी को, 5 साल देखिए, हिंदुस्तान की जनता को देखिए, 5 साल हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने प्रधानमंत्री को समय दिया, मोदी जी आपने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, हम आप पर भरोसा करते हैं, आखिरी दिन तक हम रुकेंगे। 15 लाख मिल गया क्या? अब देखिए, मैंने बात सुन ली, पांच महीने पहले मैंने कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, चाय पिलाई, उनसे कहा देखिए जो नरेंद्र मोदी ने 15 लाख की बात की, मुझे यह बात अच्छी लगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं जुमला था, उनके पार्टी प्रेसिडेंट कहते हैं जुमला था, मैं इसकी सच्चाई निकालना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि कितना पैसा गरीबों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, अगर हम इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, मुस्कुरा रही हैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, अगर इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें तो कितना डाला जा सकता है? चिदंबरम जी मुझे कहते हैं ये आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी डाल सकती है। मैंने कहा अनिल अंबानी जी के बैंक अकाउंट में किसने डाला, जापान की सरकार ने डाला क्या, चाइना की सरकार ने डाला क्या, अमेरिका की सरकार ने डाला, नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने डाला। तो अगर वो 15 लोगों को 5,55,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम भी भाई किसान को, मजदूर को, बेरोजगार युवाओं को, छोटे दुकानदारों को पैसा देना चाहते हैं, उनने 5,55,00,000 रुपए दिया, हम भी देना चाहते हैं। भैया भाषण के बीच में नारे मत लगाइए, शाबाश।